को देती है और वो आपको बताएगी केक कैसा है। चैनल तो अभी सुबह का हो रहा है 10:30 और सारा खाना वगैरह बन चुका है। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे मेरे बॉटल्स जो हैं जिसमें सॉसेज और यहाँ पे जितने भी सारे बॉटल्स हैं इनको मैं पोंछने वाली हूँ। तो इनके ऊपर मैंने क्या किया है, स्प्रे कर दिया है। जब किचन में खाना वगैरह बनता है ना तो उनके ऑयल आके इनके ऊपर लग जाते हैं और पूरे चिपचिपे बॉटल्स दिखते हैं। और मेरा जो किचन है, आप लोगों को पता ही है कि मेरा किचन जो है नॉन मॉड्यूलर है। और क्या होता है ना, मेरे घर में खाना वगैरह बनता है किचन में तो सारे ऑयल आके इन पे चिपक जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगाया है किचन क्लीनर है ये, और इससे आप लोग बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हो। इसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी। और ये हर्बल है और बीबी होम मीन्स बिग बास्केट का है ये। खुशबू भी साथ ही साथ बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम रिफ्रेशिंग सा इससे खुशबू आ रहा है। तो ये ऑयल वगैरह जो होता है ना उनको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ऑयल वाली चीज़ें जितनी भी हैं किचन की, जैसे कि गैस स्टोव माइक्रोवेव वगैरह, वो सब ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अभी फटाफट से सारे बॉटल्स को मैं क्लीन करके रखती हूँ। और ये जो वाइप है, ये वाइप मैंने पहले भी आपको दिखाया, बहुत ही ज़्यादा काम का वाइप है, वॉशेबल वाइप है, बहुत दिनों तक चलता है। किचन टॉवल ये जितना दिन नहीं चलता है ना उतना दिन मुझे लगता है कि ये वाइप चलता है। वॉश करो और फिर से लगेगा कि एकदम पहले जैसा हो गया। यहाँ पे जितनी सारी बॉटल्स है, कुछ सॉसेज हैं, कुछ सिरप है, हनी है, सॉल्ट है, जैम है, तो सारी बॉटल्स को अच्छे से क्लीन करके चलो भैया। तो ये सब क्लीन हो गया है, अभी मैं हस्बैंड को खाना दे देती हूँ। सो गाइस, तो अभी मैं सीधे आपको शाम में मिल रही हूँ। और जितने भी मैं इनको रखने वाले ऑर्गेनाइजर्स थे उन सबको मैंने वॉश करके रख दिया था सूखने को। तो मैंने सोचा शाम को सबको अरेंज करूँगी। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ और सबको अरेंज कर दे रही हूँ। जहाँ जिस तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई थी उनको उनके जगह पर रख दे रही हूँ। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स पहले भी मैंने आपको दिखाया था, तो इनको भी मैंने सुबह में वॉश कर दिया था। और इनके अंदर ना मैं किचन टॉवल होता है ना, किचन टिश्यू पेपर उनको लगा दिया, और उसके ऊपर सारे अपने जो बॉटल्स थे सॉसेज के, सॉसेज वगैरह, उन सबको मैं इन सब में अरेंज करके रख दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही कम जगह में आपके ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और इसे मैंने मंगवाया था, आई गेस फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था। और आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से सब ऑर्गेनाइज हो गया है इसमें, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एक साइज़ का रहता है, इक्वल रहता है, तो अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो सारी चीज़ों को मैंने अपने अपने जगह पर रख दिया। अभी सब क्लीन दिख रहे हैं एकदम और साफ साफ दिख रहे हैं। तो हमें 15 से 20 दिन में ना ऐसा करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर के जितने भी डब्बे हैं, बॉटल्स हैं, ये सारे अच्छे से क्लीन नज़र आते, देखने में भी अच्छे लगते हैं और दूसरों को भी अच्छा लगता है। क्या क्राफ्ट बनाया जा रहा है बेटू? क्लास के लिए, क्लास के लिए भी कुछ अपने क्लास के लिए कलरफुल सा बनाओ। अपनी क्लास के लिए कुछ कलरफुल सा इसलिए बनाना चाहती हूँ कि हर कोई व्हाइट व्हाइट चार्ट पेपर लाता है, पूरा क्लास व्हाइट व्हाइट दिखता है, तो वही मैं कुछ कलरफुल बनाने जा रही हूँ। ये क्या लिखा बताओ? देखो, तो बेसिकली एक चार्ट पेपर है, उसमें मैं लिख रही हूँ कि मैथ्स किस चीज़ों के लिए होता है। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, प्रैक्टिसिंग, यूजिंग टूल्स, वर्किंग टुगेदर, ट्राइंग। तो दिस इज व्हाट इज ऑल मैथ्स अबाउट एंड दिस इज व्हाट आई एम करेंटली वर्किंग ऑन। आई विल शो यू गाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स लेटर ऑल्सो। वाओ, दैट्स गुड। और वो क्या है, उसी के ऊपर चिपकाना है? यप, उसी के ऊपर। बहुत अच्छा बनाई। आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट दिस।
और यहाँ पे तुमने क्या रखा है? इससे सर्कल बनाते। अच्छा, इसी से सर्कल बना रही हो? वाह, देखो बच्चों का दिमाग, अगर कुछ गोल नहीं मिल रहा था तो ये मॉस्क्यूटो। सो गाइस, तो अब मैं सीधे आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ, क्योंकि उस दिन थोड़ा कुछ काम आ गया था इसलिए मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सुबह का टाइम है, और हमेशा की तरह मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ माही के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए स्कूल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले रात को ना चना और जो खड़े मूंग होते हैं उनको मिक्स करके फुला दिया था, और माही को ना आज कुछ हेल्दी सा खाना था, ले जाना था लंच में, क्योंकि रात को उसके पापा उसके लिए बहुत सारा चिकन मोमोज लेके आए थे। सो उसका पेट पूरा भरा हुआ था, कह रहे थे पापा मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, आप कुछ हेल्दी सा दे दो। तो बस उधर मैं वो तैयारी कर रही थी, कुछ वेजिटेबल्स कट कर रही थी, और अभी जो मॉर्निंग में माही को खिला के मुझे भेजना था उसके लिए मैं फटाफट से ओट्स का चीला बना रही थी। तो यहाँ पे ओट्स ले लिया है मैंने, उसके साथ ही मैंने लिया है बेसन, और उसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही साथ मैंने प्याज और हरी मिर्च को कट कर लिया है, और दही डाला है मैंने 2 चम्मच, और उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से फेंट लूँगी, फेंट के साइड में फूलने को रख दूँगी। इधर मैं फटाफट से जो ग्रीन सैलेड है वो रेडी कर ले रही हूँ। तो मूंग और चना जो मैंने फुलाया था रात में उसको मैंने ले लिया है, आज लिया मैंने खीरा लिया है, मूली ली है, हरी मिर्च ली है, इन सब कट करके इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें डालूँगी नींबू, नींबू के साथ मैंने इसमें लिया ब्लैक पेपर, और साथ ही साथ चाट मसाला लिया है, उसके साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, सॉल्ट डाला है, और हल्का सा सरसों का तेल। सरसों के तेल को डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इन सबको डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और ये बहुत ही हेल्दी सा स्प्राउट सैलेड बनके रेडी है। तो आज माही यही ले जाने वाली है लंच में। साइड में मेरा जो ओट्स है वो भी फूल गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले से पैन में ऑयल डाल के रखा था, तो बस मैंने इसमें डाल दिया है ओट्स, और उसको ढक के मैं धीमी आंच पे उलट पलट करके पका लूँगी। तो चलिए अभी साइड में उसे पकने देते हैं, और इधर माही का जो लंच है वो पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लंच तो पैक कर दिया, दूसरे में मैं स्नैक्स में दे रही हूँ, 2 बिस्किट डाला है, और यहाँ पे डेट्स मैंने डाला है। तो ये माही ना वैन में खाती है, या फिर कुछ मीठा खाने को मन करता है तब खाती है। उसी के साथ मैंने एक टिश्यू पेपर रख दी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओट्स चीला भी बन के रेडी हो गया है। तो अभी पैक कर दे रही हूँ पानी वगैरह डाल के, और छोटी वगैरह जब तक बना ले रही हूँ माही का। उधर माही का ओट्स जो है रेडी हो रहा है, क्योंकि ओट्स को थोड़ा पकने में टाइम लगता है, इसलिए मैं उधर ओट्स को छोड़ के इधर माही का चोटी बांधने आ गई थी। मैंने सोचा उधर ओट्स भी हो जाएगा, इधर चोटी भी बन जाएगा। तो लो भाई, मेरा ओट्स चीला बनके रेडी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। ये सिर्फ बच्चे नहीं, ये हम भी खाते। एक्चुअली माही ने मुझे देख के ही सीखा है ये खाना। उधर मैं डाइट कुछ दिनों के लिए फॉलो कर रही थी, तो मैं ये हमेशा बनाती थी। तो चलिए अभी माही की गाड़ी भी आ गई है, माही जा चुकी है, इसी के साथ मैं पी रही हूँ अपना सुबह का गर्म पानी। और आज मुझे ना बाहर बैठ के पीने का मन किया गरम पानी, तो मैं अभी अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्लावर्स को देखते हुए गरम पानी पी रही थी। इसी के साथ मैं आ गई हूँ अपना थोड़ा सा योगा करने, जो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ लेकिन आपको रोज़ नहीं दिखाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा योगा वगैरह भी कंप्लीट होता है, इसी के साथ अब मैं जाती हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय। मेरा सुबह का चाय, तो चलिए अभी मैं सुबह का के साथ शुरू हो जाती है मेरी मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डॉग के लिए रोटियाँ बना रही थी, और उसकी के साथ मेरे पास बहुत सारे दूध बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो पनीर बना लेते हैं। और पनीर किस तरीके से मैं घर में बनाती हूँ वो भी मैंने आपको बहुत बार दिखा रखा है। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो के करीब दूध, और इसमें डाला है मैंने 4 ढक्कन के करीब मैंने इसमें डाला है विनेगर, जो
एप्पल का वेनेगर आता है, ये मैं बिग बास्केट से मंगा के हमेशा रखती हूँ, जब भी ख़त्म हो जाता है इसे ना क्विक से पनीर बन जाता है। आप चाहो तो नींबू से भी बना सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ वेनेगर, एक ही बार में पूरा ढक्कन चार ढक्कन नहीं डाला है मैंने, पहले थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और स्पून से मिलाते जाइए। और जो लास्ट वाला जब मैंने डाला ना, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे से मेरा पनीर बन गया। बस उसे एक कॉटन कपड़े में छान लूँगी और इसकी पानी जो है उसको मैं आटा में गूँथूँगी। तो पनीर की पानी से आटा जब गूँथो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उनकी रोटियां खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसी के साथ मेरा पनीर भी बन के रेडी हो गया, बस उसको अच्छे से टॉल में गाड़ लिया। सेकेंड बारी में मैंने क्या किया कि ठंडा पानी मैंने पनीर के ऊपर डाला ताकि उसका एक्स्ट्रा जो पकने का प्रोसेस है वो रुक जाए। और उसी के साथ मैंने उसे आरी तले के नीचे रख के दबा दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर बन के रेडी है। इसी के साथ मेरी टेलर आ गई थी जो मेरे घर पे आके मेरा कपड़े वगैरह ले जाती है, जैसे घर में कुछ छोटे छोटे चीज़ें फट जाते हैं कट जाती है ये सारी चीज़ें। तो मेरे जितने भी ब्लाउजेस थे ना पहले के, वो सारे ब्लाउजेस मेरे ढीले हो रहे थे, तो मैंने उन सबको दिया था हल्का हल्का स्टिच करने को दबाने को मेरे साइज़ के अनुसार। और इसी के साथ मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। रोज़ का होता है स्किन केयर रूटीन, वो भी मैंने कर लिया है। फाइनली यहाँ पे मेरा सारा काम भी ख़त्म, पूजा भी हो गया, अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने। तो चलिए अभी हम कुछ खाते हैं। फर्स्ट जो मेरा रोज़ का स्किन केयर रूटीन होता है वो भी मैंने कर लिया है। चलिए अभी मैं कुछ खाती हूँ। पराठा, परवल आलू की भुंजिया, नेनुआ की चटनी है जो खाती भी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी तीज की भी शॉपिंग चल रही है धीरे धीरे, जो हमारे यहाँ हरतालिका तीज मनाई जाती है और उसी की तैयारी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं ना, कि जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मैं न्यू ही यूज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि डेली वेयर में जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो यूज कर लेते हैं ऐसे ही रैंडमली। तो यहाँ पे मैंने मंगाई थी आईलाइनर, काजल, ये सिंदूर था जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये है आईब्रो पेंसिल ब्राउन कलर का, मुझे ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके साथ ब्रश भी है, आप लोग देख सकते हो आईब्रोज़ को कॉम्ब करने को तो काफ़ी अच्छा होता है। इसी के साथ मैंने एक और मंगाई है सिंदूर जो महरून कलर की है, महरून कलर की सिंदूर मैं बहुत दिनों से नहीं लगा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मंगा लेते हैं, महरून कलर की सिंदूर मंगाई है और ये स्विस ब्यूटी का है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और जो फर्स्ट वाला रेड कलर का दिखा है ना, वो स्पार्कल सिंदूर था, उसमें स्पार्कलिंग टाइप का चमक रहा था। और ये है आई शेडो, तो ये भी स्विस ब्यूटी का अच्छी लगी और फोर शेड में है ये, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ना मुझे एक ब्रश भी मिला है, आईब्रो ब्रश जो आईब्रो पे आई शेडो को लगा सके, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा। तो यही कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे। ये सारी चीज़ें ना मैं तीज पे ही यूज करूँगी, अभी मैं जो मेरा पुराना वाला है ना वही यूज करूँगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके मेरी हरतालिका तीज की तैयारी चल रही है, आपकी चल रही है या नहीं चल रही है मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अभी मैं लेके आई हूँ अमूल फ्रेश क्रीम और ये है अनार और ये है सेब, जिनको मैंने अभी कट कर लिया। तो अभी माही को क्या खाना है, फ्रूट क्रीम, क्योंकि मैंने जो जन्माष्टमी के दिन बनाया था ना माही को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो माही कह रही फिर से बना। और मेरे आँखों में ना थोड़ा सा जलन हो रहा था इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया। तो चलिए क्विक सा बनाते हैं फिर से फ्रूट क्रीम सैलड जो माही को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी आपको रेसिपी भी दिखा देती हूँ, मैंने जन्माष्टमी के दिन आपको इसकी रेसिपी नहीं दिखाई थी। सिंपल और क्विक रेसिपी है ये, बस फ्रूट डालो, क्रीम डालो और पाउडर शुगर, लेकिन मैं क्रिस्टल शुगर जब इसमें डाला ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्रंची टाइप का, इसलिए मैंने इसमें पाउडर शुगर नहीं डाला। आप ना इस शुगर के जगह पे पाउडर शुगर भी डाल सकते हो। तो बस
इसे मिक्स कर लो अच्छे से। आप एक क्विक और टेस्टी सा फ्रूट क्रीम सैलड बन रेडी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में, तो चलिए माही को देती हूँ और थोड़ा सा मैं भी खा। तो देखा आपने कितना आसानी से मैंने बना लिया फ्रूट क्रीम सैलेड। तो चलिए अभी मैं माही को इसको देती हूँ। बताया जो नाम मुझे समझ में आ रहा था मैंने वो नाम दे दिया। तो चलिए अभी माही को देती हूँ और वो आपको बताएगी कि ये कैसा है खाने में। बहुत टेस्टी होता है। और अगर इसको फ्रीज में रख दोगे ना कुछ देर के लिए तो सारे जो चीनी है ना वो मेल्ट हो जाएंगे, तो और ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन माही को अभी क्विक खाना था इसलिए मैंने माही को दे दिया। और अगर आपके बच्चों को कुछ मीठा सा कुछ अच्छा सा खाने का मन करे और साथ ही साथ हेल्दी भी हो, क्रीम तो वैसे फैटी है लेकिन उसमें जो फ्रूट गया है तो फ्रूट हेल्दी है, तो हेल्दी भी है और फैटी भी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और कभी कभी मेरा भी मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। सो गाइस, सो फाइनली अभी हो गया है रात और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो अभी रात का 9 बज रहा है और खाना बनाने का टाइम, मैं थोड़ा लेट से खाना बनाती हूँ क्योंकि माही के पापा ना 10:30 बजे आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि गर्मा गर्म खाना बनाऊँगी तो वो गर्म गर्म खाएँगे। और यहाँ पर मैंने अभी पूजा कर लिया है शाम का, आरती वगैरह सारा चीज़ मेरा हो गया है। तो चलिए अभी रात का खाना बनाती हूँ और माही अभी अपना पढ़ रही है। अभी जब तक उसके पापा नहीं आ जाते तब तक वो पढ़ती रहेगी। यहाँ पे मैंने क्या क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है मसूर की दाल, ये अरवी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सब्जी। और इसकी रेसिपी ना, इस सब्जी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। और अच्छे केले और आलू की भुंजिया, सूखी भुंजिया, ये ना माही के पापा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने उनके लिए बनाया है। और इधर चावल पे है, गर्मा गर्म घी लगी हुई रोटियाँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पता नहीं बिहार में इस बार बारिश नहीं हो रहा है, अच्छा से मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर जगह मैं देख, पहले क्या होता था ना कि बारिश हुआ ना तो बच्चों को हम लोग ना मोटे कपड़े पहनाना शुरू कर देते थे बारिश में, लेकिन इस बारिश नहीं दिख रहा है कि जैसे लगे हमें कि बच्चों को थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहना है। चलो इंतज़ार करते हैं बारिश का, जल्दी से बारिश आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो मेरा यहीं तक था एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।